It has a lot of things in it, multiple emotions, and everybody will enjoy the movie because it's fun. How's the Parvathy? Parvathy is also She's too good. Both of them are too good. I've loved Irrfan Khan's acting in the movie. I think star? I'll go and watch the movie again. How the five star? Five. जो acting है Irrfan Khan का और Parvathy का amazing है. It's a travel love story जो पहले अभी हिंदी सिनेमा में बहुत कम देखने को मिलता है through India. तो ऋषिकेश से लेके दिल्ली से लेके फिर जयपुर और फिर गैंगटॉक अमेजिंग पिक्चराइजेशन और एक्टिंग केमिस्ट्री जो एक्टर और एक्ट्रेस इरफान खान और पार्वती जो अमेजिंग सिंपली अमेजिंग जैसे ऐसे बहुत कम देखने को मिलता है बॉलीवुड सिनेमा में सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे हैं सॉन्ग्स तो कम ही है दो तीन सॉन्ग्स है जो और बहुत ही ज़बरदस्त सॉन्ग है और ये तो एक्चुअली फैमिली मूवी है इट्स नॉट जस्ट फॉर कपल्स सबको पसंद आएगा फाइव आउट ऑफ फाइव मुझे मूवी बहुत ही खूबसूरत लगी उसकी जो स्टोरी थी बहुत ही अच्छी थी रोमांस था कॉमेडी थी ड्रामा था जो हर एक मूवी पैकेज होता है वो पूरी मूवी के अंदर था दोनों की ऐसा लगा था कि दोनों एक्टिंग ही नहीं कर रहे रियल में दोनों कपल से ऐसा लग रहा था इतनी अच्छी एक्टिंग थी दोनों की कोई मैसेज दे रही मैसेज ये दे रही है कि हमें जो लाइफ में करना चाहिए वो हमें सोच समझ के करना चाहिए और ऐसे नहीं कहना चाहिए फ्यूचर का देखो हमेशा प्रेजेंट में जियो 4.5 वेल करीब करीब सिंगल तो बहुत अच्छी मूवी मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी एक्सपेक्टेशन जैसे इरफान खान से था तो वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे हाउ वाज द केमिस्ट्री बिटवीन पार्वती एंड इरफान खान केमिस्ट्री तो वेल काफ़ी अच्छी थी तो आप मैं भी यही सजेस्ट करूँ कि आप लोग भी मूवी देखें जो और ये सिर्फ कपल्स के लिए नहीं फैमिली भी मूवी देख सकती है और इससे मैसेज भी काफ़ी अच्छा है तो फिर मूवी देखने लायक तो है मैं तो बोल रही हूँ मूवी कितनी बांध के रखी है एंड तक वही फ्लैट जोन था कितनी बांध के रखी है मूवी में थोड़ा कॉमेडी रोमांस भी है तो बीच बीच में मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग मतलब आप एक मिनट के लिए भी बोर नहीं होगे मूवी में आप मूवी में बिल्कुल भी एक मिनट के लिए बोर नहीं होगे तो मूवी अच्छी है वैसे तो ओके तो गाने की बात करें तो गाने किस तरह के गाने कितने पैपी सॉन्ग थे या कुछ ऐसे नज़र आए हैं गाने तो काफ़ी अच्छे हैं रोमांटिक है और ऑडियंस को रोमांटिक सॉन्ग ही ज़्यादा पसंद है तो फिर अच्छे है गाने भी अच्छे ही है कितने स्टार्स देना चाहेंगे आउट ऑफ 5 4 थैंक यू काफ़ी अच्छी मूवी थी एंड मेरे को मतलब फर्स्ट हाफ के बाद इट ग्रू बेटर कैरेक्टर डेवलपमेंट केम इन एंड ऑब्वियसली इरफान खान आई मीन ही हिज रोल विद पार्वती इट्स की सीम टू डेवलप मोर एंड मोर आई मीन द सॉन्ग्स वर नॉट दैट राइट बट इट वॉज अ ब्रिलियंट मूवी टू वॉच आई मीन आई वुड वॉच इट अगेन वंस मोर आई वुड वॉच इट मैसेज टू इरफान खान More movies like this. More movies. मेरे को तो इतना कोई मैसेज नहीं है बट इट वॉज समथिंग लाइक आई वुड वॉच अगेन एंड अगेन ऐसे इट्स आई मीन आई लाइक द होल मूवी इन जनरल नॉट वन सीन बट इट वॉज अ वेरी फ्लुएंट केमिस्ट्री इट वॉज नॉट लाइक बहुत ये है कि एब्रप्ट लग रहा है कि नई एक्ट्रेस है और वो सुपरस्टार है ऐसा नहीं लग रहा था इट वाज प्रीटी चिल नॉट दैट ओके इट्स ओके आई मीन दे आर नीडेड इन अ मूवी बॉलीवुड मूवीज में सॉन्ग्स नीडेड है तो उस हिसाब से आई वाज कूल विद इट आउट ऑफ कितने सेकंड आई वुड गिव इट 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार